हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर, चैप्टर 14, फैक्टराइजेशन नाम है इसका। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे इस चैप्टर का। पूरा समझाने के लिए हमने आपको 8 पार्ट में डिवाइड किया है इस इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। 8 पार्ट में डिवाइड है, इतने ही हेडिंग आपको समझने हैं। स्टार्ट करते हैं पहले हेडिंग से। जैसे फर्स्ट हेडिंग क्या है, फैक्टर। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स वो होते हैं, जैसे अगर 12 का पूछा जाए फैक्टर्स, तो जिससे जिससे 12 कट जाता है, कंप्लीटली डिविजिबल है, वो इसके फैक्टर होते हैं। जैसे 12 किसके किसके टेबल में आ जाता है, तो 2 के टेबल में आ जाता है, 2 6 12 होता है, कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, पूरा पूरा कट जाता है। 3 4 12 होता है, 4 3 12 होता है, और किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है, और 12 खुद के भी टेबल में आता है ना। और 1 जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, 1, ठीक है। 1 से तो सब कटता है, ठीक। तो ये सारे क्या है, 12 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हम किसी, ये तो हमारा एक नेचुरल नंबर है जिसका हमने फैक्टर्स लिख दिया, ऐसे हम किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का भी फैक्टर लिख सकते हैं। जैसे है 5xy, इसके फैक्टर क्या क्या है, तो इसके फैक्टर हैं, एक तो हो गया 5, दूसरा क्या हो गया x, तीसरा क्या हो गया y। ये इसके 3 फैक्टर हो गए। ये आप एलजेब्रा में भी पढ़ चुके हैं, इसलिए एलजेब्रा चैप्टर आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, जिससे कि आपको बेसिक चीजें पता हो, ठीक है। और जैसे मान लो लिखा हुआ है 5xy x+1, ठीक है। ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर क्या है, तो इसके फैक्टर हैं 5 और एक्स वाई और ये पूरा, ठीक है, x+1 भी इसका एक फैक्टर है। इसमें 1 को अलग मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि x के साथ प्लस का रिलेशन है उसका, और ब्रैकेट में है ना, तो ये पूरा एक ही फैक्टर है, सबके बीच में आपस में मल्टीप्लाई के सिंबल्स हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। अब नेक्स्ट देखिए, फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये फैक्टराइजेशन क्या होता है, इन्हीं फैक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दें, ठीक है, एक दूसरे से प्रोडक्ट हो ये, तो वो उसको हम फैक्टराइजेशन कह देते हैं। जैसे इन्हीं को अगर हम ऐसा लिख दें 5xy, तो हमने इसको क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही इसका भी अगर हम फैक्टर लिखना चाहें, फैक्टराइज करना चाहें 12 का, तो वो क्या होगा। अब यहां पर ऐसा मत कर देना कि सबके बीच में मल्टीप्लाई लगा दो, तब तो 12 आएगा ही नहीं ना। फैक्टराइजेशन में जो हमारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, एक्चुअली में वो प्राइम फैक्टर होते हैं। ये 5 और x और y ये आगे डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स है। ऐसे ही इसका 12 को अगर हम फैक्टराइज करके लिखना चाहें, तब कैसे लिखेंगे, तब हम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये तो सारे फैक्टर्स हो गए ना, तो फैक्टराइज करेंगे तो हम इसको ऐसा लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 = 4 3 × 12 × 3, ठीक है। ये 12 का फैक्टराइज हुआ प्राइम फैक्टर के रूप में, ठीक है। जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो यानी हम उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ रहे हैं, ओके। ये आया कैसे, प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग जानते हैं, इस तरह से करते हैं हम लोग ना, ये 6 बार गया, ये 3 बार गया, और ये 3 से गया 1 बार, ऐसे ये आया है। तो ये हमारा हो गया फैक्टराइजेशन। ऐसे ही यहाँ पर भी जब हम फैक्टराइजेशन करके लिखेंगे, अगर फैक्टराइज करेंगे, तो ये तो अभी हमने फैक्टर्स आपको बताया था, फैक्टराइज मतलब क्या, इन्हीं को हम मल्टीपल फॉर्म में लिख दें। ये हमने क्या कर दिया, इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मीन्स क्या समझे आप, कि इनके प्राइम फैक्टर्स को गुणनखंड के रूप में लिख दें, मल्टीपल के फॉर्म में लिख दें, ठीक है, वो होता है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट है, अब इनके यही जो फैक्टराइजेशन है, ये हम कई तरीके से करते हैं, ठीक है। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम फैक्टराइज करेंगे, यानी मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, तो कई तरीके से लिख सकते हैं, जिस तरह का वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसी पर, ठीक है। तो कहीं कहीं पर हमको कॉमन फैक्टर मेथड यूज करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर हमें रीग्रुपिंग टर्म करके यूज करना पड़ेगा मेथड,
ठीक है। कहीं कहीं हम लोग आइडेंटिटीज यूज करेंगे, जो आप आइडेंटिटीज पढ़े थे एलजेब्रा में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा बाई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, किसी में अगर तीन टर्म रहेंगे तो उसमें बीच वाले को ब्रेक करके, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कॉमन फैक्टर्स मेथड, फैक्टराइजेशन करने के लिए हम कॉमन फैक्टर मेथड कैसे यूज करेंगे। आइए देख लेते हैं कॉमन फैक्टर मेथड से कैसे फैक्टराइज करेंगे, यानी मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल मान लो एक एक्सप्रेशन है 2x + 4, ठीक, इसको फैक्टराइज करना है यानी मल्टीपल फॉर्म में लिखना है। यहाँ पर तो इनके बीच में प्लस का सिंबल है ना, दो टर्म है यहाँ पर और दोनों में प्लस का सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे कॉमन फैक्टर्स मेथड। हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आप समझते हैं ना, जो दोनों में हो वो कॉमन होता है, ठीक है। जैसे तो कॉमन ढूंढने के लिए पहले हम इनके फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। जैसे 2x में देखा जाए तो क्या क्या है एक्चुअली में, तो 2 है और x है, 2 × 2x से बना है 2x, और ये जो 4 है ये किससे बना है, ये बना है 2 × 2 से, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में हो, तो दोनों में है 2 कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे में हम करते क्या है कि जो कॉमन होता है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में जो कॉमन नहीं है उसको छोड़ देते हैं वहीं पर, ठीक है। तो जब बाहर लेते हैं ना तो जितने टर्म होते हैं सभी में से लेते हैं, इसमें से भी लेंगे और इसमें से भी लेंगे, ठीक है। तो इसमें जब 2 ले लिए तो बचा क्या, केवल एक्स। ऐसे ही इसमें से भी जब 2 ले लिए तो एक ही 2 तो ले रहे हैं, तो यहां पर एक 2 बच जाएगा, ठीक है। सिंबल कौन सा है बीच में, प्लस का, ठीक, ये यहां पर प्लस का सिंबल लगेगा। और ये ऐसे एरो आपको बनाना नहीं है, तो हमने समझाने के लिए कर दिया था, ठीक है बेटा, ऐसे होगा ये, और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आप देखें तो इसमें इस फैक्टर, अब इसके दो फैक्टर हो गए ना, एक फैक्टर ये हो गया, एक फैक्टर ये हो गया, और इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल भी है, ठीक है। तो ये है हमारा कौन सा मेथड, कॉमन फैक्टर मेथड। आइए सीख लेते हैं बाई रीग्रुपिंग टर्म मेथड, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं, ये तो हो गया, अब हम देखेंगे रीग्रुपिंग टर्म्स मेथड। ये कैसे लगता है, किस टाइप के क्वेश्चन में, इसका एग्जांपल आपके बुक से ही ले लेते हैं, बुक में एग्जांपल दिया गया है, रीग्रुपिंग वाला है एग्जांपल 2xy + 2y + 3x + 3। अब यहां पर अगर आप देखें तो ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें चार टर्म है कुल, ठीक है, चार टर्म है, और इनके बीच में प्लस के सिंबल्स लगे हुए हैं, यानी फैक्टराइज नहीं है। जब हम फैक्टराइज करेंगे तो मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएंगे सब, ठीक है, यानी इनके बीच में मल्टीप्लाई का वो होगा, रिलेशन होगा। तो ऐसे में करते क्या है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या कुछ ऐसा है जो चारों में कॉमन है। अगर चारों में कॉमन वाला मिल गया तो हम कॉमन फैक्टर मेथड से कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट के अंदर कुछ बचेगा और दोनों अलग अलग फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन यहां अगर हम देखें तो चारों में कॉमन कुछ नहीं है कि जो चारों में हो, जैसे x यहाँ है, यहाँ है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, y यहाँ है, इन दोनों में नहीं है। ऐसे में क्या करते हैं, जब आपको चार टर्म दिए रहे और आपको फैक्टराइज करना हो तो हम क्या करेंगे, दो दो का ग्रुप बना लेंगे। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है, वाई तो दोनों में है, टू भी दोनों में है ना, और इन दोनों में भी कुछ कॉमन है, थ्री कॉमन है, ठीक है, दोनों में। तो हम क्या करेंगे, दो दो का बना लेंगे ग्रुप और दोनों में कॉमन कॉमन लेकर कर लेंगे। तो जैसे इन दोनों में कॉमन क्या है, टू, और क्या है दोनों में, केवल अभी इन दोनों में देखेंगे, और वाई भी दोनों में है, ठीक है। बचा क्या, यहां पर टू भी बाहर आ गया, वाई भी बाहर आ गया, बचा केवल एक्स, प्लस है, प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब यहां से तो 2 भी गया, वाई भी गया, क्योंकि जब कॉमन लेते हैं तो हम जितने टर्म में ले रहे हैं सभी में से बाहर निकालते हैं, ठीक है। बाहर निकलता कैसे है एक्चुअली, तो वो डिवाइड होता है। जैसे 2y अगर हम कॉमन ले रहे हैं यहां से ना, इसका मतलब हम इसमें 2y से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब डिवाइड करेंगे 2y से तो कट जाएगा ना, इसीलिए। और करने के बाद बचेगा क्या, 1। तो जब पूरा कॉमन चला जाता है, कुछ नहीं बचता, तो वहां 1 बचता है, ठीक है बेटा, कुछ नहीं बचता तो 1 बचता है। ऐसे ही यहां पर इन दोनों में कॉमन 3 है, तो हम बाहर क्या लिखेंगे, 3,
ठीक, बचा क्या फिर, थ्री तो बाहर आ गया इस वाले में से, तो बचा केवल एक्स प्लस ए प्लस लगा दीजिए। अब थ्री ही यहां पर है ही, अब वो बाहर चला गया तो वन बच गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो अभी तक यहां पर चार टर्म थे, अब कितने टर्म है, अब एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, यहां पर अब दो ही टर्म बचे हैं। इसको हम कन्वर्ट कर देंगे एक टर्म में, मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे पूरा एक ही टर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो ये ब्रैकेट वाली चीजें कॉमन है दोनों में, ठीक है, तो वो हम कॉमन ले लेंगे अब, ठीक है। ब्रैकेट वाली चीजें दोनों में है ना, तो उसी को हम बाहर ले लेंगे, यानी x प्लस वन। तो बचा क्या अगली बार ब्रैकेट में, ये बचा 2y, और क्या बचा, ये बचा प्लस का 3, ठीक है बेटा। अब अगर आप ध्यान दें तो इस एक्सप्रेशन के यही दो फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, जो अब और सॉल्व नहीं होंगे, और इनके बीच में देखो इस फैक्टर के और इस फैक्टर के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल भी है अगर ब्रैकेट है तो, ठीक है। तो ये होता है हमारा रीग्रुपिंग मेथड। इसमें काम हम लोग और कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा गया होता कि इस 2y को यहाँ लिख दिया गया होता, ठीक है, 2y को यहाँ लिख दिया गया होता और 3 यहाँ लिख दिया गया होता, तब हमारा इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक व्यवस्था ये भी होती है कि हम अपने मन से जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं पता है, इसको फिर से रीग्रुपिंग कर देते हैं अपने हिसाब से। तो हम क्या करते हैं, 3 को उठाकर यहाँ लिख देते और 2y को यहाँ लिख देते। हम सिंबल के साथ इधर उधर कर सकते हैं अपना एडजस्ट करने के लिए, जिससे कि हम कॉमन ले सकें और फैक्टराइज कर सकें, ठीक है बेटा। ये अब सीखते हैं हम लोग बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, ये काफी इंटरेस्टिंग है, आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइजेशन करना। आइए अब देख लेते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। इस चैप्टर में आप तीन आइडेंटिटीज यूज करेंगे, ठीक है। जैसे पहली आइडेंटिटी आप यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ठीक है। दूसरा आप यूज करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तीसरा आप यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये तीन आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। ये होता क्या है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, माइनस वाले में यही फर्क होता है ना, यहां माइनस 2ab हो जाता है, ये वाला लास्ट वाला तो प्लस का ही होता है। ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, आपको शायद याद आ रहा हो ना, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक एक आइडेंटिटी से शुरू करते हैं समझना। तो पहले वाले आइडेंटिटी के ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। ये क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे हैं यहाँ पर तीन टर्म है और प्लस लगा हुआ है बीच में, यानी फैक्टराइज नहीं है, फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो आप यहां पर देखें तीन टर्म है, और यहां पर ऐसा भी नहीं कर सकते कि दो टर्म में कॉमन ले ले, जब चार होता है तब हम दो दो टर्म का कॉमन लेते हैं। तो अगर ऐसा आपका तीन टर्म का क्वेश्चन आ जाए आपके पास, ठीक है, और यहां पर कोई आपको मिल रहा हो ऐसा नंबर जो कि किसी का स्क्वायर हो, जैसे 16 4 का स्क्वायर है, आप जानते हैं ना, तो करेंगे क्या पता है, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आइडेंटिटी यूज करके। इसको हम ऐसे ही रहने देंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसको हम लिख देंगे 4 के स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये किसकी तरह लिख रहा है, हम ये सोचेंगे, इमेजिन करेंगे। तो देखो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर है ना, और बचा बीच वाला। अब बीच वाला हम ये लगाए या ये लगाए डिपेंड करेगा कि यहाँ क्या है, यहाँ प्लस है ना, प्लस है तो हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, प्लस वाला। तो हमारा ए क्या हुआ, अगर इसको इमेजिन करें हम इसकी तरह, तो ए हमारा हुआ ये वाला एक्स, और बी क्या हुआ 4, बी की जगह 4 हुआ, बी स्क्वायर है ना, यहाँ 4 स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे भी 2 तो 2 ही रहेगा, 2 की जगह तो 2 ही रहेगा। तो चलिए लिखते हैं, प्लस है आइडेंटिटी में प्लस लगाएंगे, 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। एक जगह क्या लिखेंगे, एक जगह हमारा क्या था एक्स, तो हम लिखेंगे एक जगह x, ठीक है, और रिलेशन इन सबके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई का, तो हम लिख सकते हैं 2
इंटू एक्स और इंटू बी की जगह क्या लिखेंगे, 4, यानी 2 इंटू एक्स इंटू 4, 2ab हो गया हमारा, और सिंबल कौन सा लगा है, प्लस का। बात समझ आ गई आपको, ऐसे लिखा गया था, हमने उसको उस फॉर्म में बना दिया बस 4 का स्क्वायर करके, तो एक a हो गया, एक b हो गया, 2ab हो गया, ठीक है। तो अब बेटा अगर आप ध्यान दें तो यहाँ बीच में इक्वल का सिंबल लगा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, उनकी वैल्यू इक्वल है। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं और इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल है तो एक दूसरे का सब्सिट्यूट है, वो यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जैसे इसको हम ये लिख सकते हैं, वैसे ही सेम इसको हम ये लिख सकते हैं, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए तो हमारा एक्स है प्लस बी हमारा 4 है और इसका होल स्क्वायर, बस हो गया सॉल्व, यही आपका आंसर, अब ये फैक्टराइज हो गया बेटा, ठीक है। अब इसमें देखो एक ही टर्म है, अगर इसको आप सॉल्व करें ना, खोलें इस तरीके से नहीं, मतलब जैसे 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है 2 इंटू 2, तो इसको भी हम स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x प्लस 4 स्क्वायर है, दो बार लिख सकते हैं इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। एक तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे लिख देंगे तो हमारा फैक्टराइज कहाँ होगा ना, हमको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हमने इसको दो बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई फॉर्म में चाहिए। अब दो फैक्टर हो गए, उनका आपस में मल्टीप्लाई, यानी फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। तो ये हो गया पहली आइडेंटिटी से, अब आइए देख लेते हैं सेकेंड आइडेंटिटी से। आइए आइए अब सेकेंड आइडेंटिटी देख लेते हैं। सेकेंड आइडेंटिटी से एग्जाम्पल है आपका 4y² माइनस 12y प्लस 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से आप अगर आप देखें तो यहां पर आपको जो मिला है ये किसी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है ना, यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आप एक नई चीज सीखने वाले, बहुत ध्यान दे रहे हैं बेटा, यहां पर तो स्क्वायर है ऑलरेडी, लेकिन ये जो स्क्वायर है ना केवल y का स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लगा है ना यहाँ पर, अगर ब्रैकेट लगा होता तो दोनों का स्क्वायर होता हो, तो केवल y का स्क्वायर है। तो जो a लेंगे बेटा यहाँ पर a हमारा एक ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम 4 और y को मिला करके a मानेंगे, इसीलिए हम 4 को भी यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा जो किसी का स्क्वायर होगा, तो 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसमें तो x के बगल में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ x के बगल में y के बगल में 4 है, तो इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, तो 4 को अगर हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2² ना, और y स्क्वायर ये है ही, ठीक है बेटा। और आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 का भी स्क्वायर और y का भी स्क्वायर, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 2 इंटू y का स्क्वायर, ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू y का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये जो स्क्वायर है ये 2 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है, क्योंकि ब्रैकेट लग गया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, 2 ये भी बाकी है, यहाँ बीच में माइनस है इसलिए माइनस वाले फॉर्म में बनाएंगे, ठीक है, माइनस लगा दो, 2 तो बेटा 2 ही रहेगा, a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पर है 2y, ठीक है, तो 2 इंटू 2y ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, उसमें मल्टीप्लाई लगा दिए थे, चाहे मल्टीप्लाई लगाओ चाहे ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है, बात एक ही है। तो 2 इंटू 2y और बी क्या है, 3 इंटू 3, प्लस है तो प्लस, ठीक है बेटा। तो अब ये हमारा बन गया इस तरीके का, तो इस तरीके का बन गया, तो अब हम उसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a हमारा है 2y माइनस बी हमारा है 3, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, इतने पे छोड़ देंगे तब भी ये आपका आंसर है, और चाहे तो आप इसको दो बार लिख सकते हैं कि 2y माइनस 3 इंटू 2y माइनस 3, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो आइए थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं, उससे कैसे फैक्टराइज करेंगे। आइए थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं, इसका एग्जांपल है
49 पी स्क्वायर माइनस 36। तो ये फैक्टराइज तो नहीं है, बीच में माइनस का सिंबल लगा हुआ है ना, दो टर्म है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो दो टर्म है और इसमें कॉमन भी नहीं है कुछ, है ना, कॉमन कुछ नहीं है। तो यानी कोई आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। अब तीन टर्म नहीं है कि हम ये वाला आइडेंटिटी यूज कर लें, तो हम दो टर्म वाले भी आइडेंटिटी हमारे पास है, ठीक है, लेकिन यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो हम इसको भी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ऐसे नंबर ये जो किसी के स्क्वायर है, जैसे 36 ये किसी का स्क्वायर है 6 का, 6 6 36, 49 ये भी किसी का स्क्वायर है 7 का, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 पी का होल स्क्वायर। अब आप समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर ब्रेकेट क्यों लगाया और इसको 7 क्यों लिख दिया, क्योंकि इसके पहले वाले में जो आपको बता दिए थे वैसे ही, जैसे वाई के बराबर 4 लिखा हुआ था। तो अब पी जो स्क्वायर है ये 7 का भी है और पी का भी है, और 7 पी दोनों एक ही जगह पर है, एक मतलब 7 पी दोनों कोई एक नहीं, ठीक है। माइनस 36 को हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर, ठीक है। तो अब इस फॉर्म में ये बन गया ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, एक जगह 7 पी बी की जगह 6। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो इसको भी हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a प्लस बी यानी a हमारा है 7p प्लस बी, बी हमारा है 6, दूसरा a माइनस बी यानी 7p माइनस बी यानी 6, ठीक है। अब आप ध्यान दें तो ये दो फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के, ये दोनों फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है एक फैक्टर ये है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल भी है, यानी ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है बेटा। तो ये थे हमारे आइडेंटिटी के यूज करके। अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म ऐसे कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर आप तीन टर्म तो है लेकिन कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम 6 जो आया है ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, तो आइडेंटिटी नहीं लगा सकते, है ना। तीन टर्म तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं फैक्टराइज करने के लिए, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और यही आपको काम आएगी आगे जब तक आप मैथ पढ़ेंगे तब तक, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं बेटा कि ये जो 6 है जो लास्ट टर्म है इसको हम देखो पहले कैसे कैसे लिख सकते हैं फैक्टराइज करके। 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 6 1 = 6, और कैसे लिख सकते हैं 3 × 2 = 6, और दो ही तरीके से लिख सकते हैं ना, या 2 × 3 = करेंगे बात वही है 1 6 = 6, ठीक है। तो ऐसे में हम ये चेक करेंगे कि इस 6 को हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे और ऐसा ब्रेक करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ जाए लेकिन प्लस या माइनस करने पर बीच वाला टर्म आ जाए 5, यहां पे जो भी नंबर होगा x से मतलब नहीं है, नंबर से 5। तो ऐसा कुछ लेंगे कि मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए लेकिन प्लस माइनस करने पर 5 आ जाए, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए 3 और 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 और 1 को भी अगर माइनस करेंगे तब भी 5 आ जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पे क्या लेना हमारा ठीक रहेगा, तो चलो पहले 6 और 1 ले लेते हैं। तो अगर 6 और 1 ले लेंगे हम तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं प्लस 6x - 1x, ठीक है, और ये प्लस 6 वो ऐसे ही रहेगा। 5x को हमने कैसे लिख दिया 6x और -1x, क्योंकि 6x में से 1x जाएगा तो 5x बचेगा, ठीक है, इसी को हमने ऐसा लिख दिया। अब आप देखें इसके बाद इन दोनों में कुछ कॉमन है और इन दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं, ठीक है। देखो तो इन दोनों में कॉमन है x ना, ये चार टर्म बन गए ना, दो दो का ग्रुप बना के कॉमन ले लेंगे जैसे करते थे, इसमें कॉमन है x इन दोनों में, तो
एक ही x कॉमन लेंगे, दो नहीं है तो दो x यहाँ पे, x स्क्वायर है तो मतलब दो बार x है, x into x, लेकिन एक ही x कॉमन लेंगे, क्यों? बाहर एक ही x निकालेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में एक ही x है, इसलिए कम से कम वाला कॉमन लेते हैं, ठीक है? तो x स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते, इसलिए एक ही x कॉमन लेंगे, एक x कॉमन लिए तो एक x बच गया, ठीक है? दो था ना यहाँ पर, प्लस यहां से x चला गया, बचा क्या? सिक्स, ठीक। अब अगर आप ध्यान दें तो यहां पर क्या कॉमन है, यहां पर कॉमन है हमारा कुछ नहीं, कॉमन है, जब कुछ नहीं कॉमन होता बेटा तो हम कॉमन लेते हैं वन, क्या लेते हैं? वन, ठीक है। लेकिन यहां माइनस है तो माइनस का वन लेना पड़ेगा, और इस हिसाब से हमारा अब इसमें बचेगा क्या, जब वन कॉमन लेंगे तो, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिए हैं तो अंदर के सिंबल्स बदल जाएंगे, ये माइनस का एक्स था प्लस का एक्स हो गया, और ये प्लस का सिक्स था माइनस का सिक्स हो गया, ठीक है? तो बेटा इन दोनों ब्रैकेट में सेम चीजें आनी चाहिए, आप ये सीख चुके हैं ना कि चार टर्म रहते तो दो में ब्रैकेट में सेम आते थे, यहां तो दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आया, यहां माइनस कैसे हो गया? क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख लिया है, ठीक है? माइनस भी हमें कॉमन लेना पड़ा, माइनस गायब थोड़ी कर सकते हैं, तो ब्रैकेट बाहर अगर माइनस हो गया और ब्रैकेट लगाएंगे तो सिंबल्स बदल जाएंगे, ये माइनस का एक्स था प्लस का हो गया, प्लस का सिक्स था माइनस का हो गया, ठीक है? अगर आप ब्रैकेट खोलेंगे ना तो फिर से यही मिल जाएगा, देखो वन का एक्स मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स होगा, माइनस माइनस प्लस सिक्स होगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है? तो इसलिए ये वाला मामला तो हमारा फेल हो गया, ये आपको मन में ही सोच लेना है इतना, ठीक है? तब फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला लेते हैं। दूसरा वाला क्या है? थ्री इंटू टू, इससे हमारा काम बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। देखो अगर प्लस वाले ही क्वेश्चन हो तो जहां पे माइनस करना हो उसके साथ मत जाना, मैं नहीं जाता क्योंकि मैं तुमको बस दिखाने के लिए एक बार कि एक बार चेक कर ले, जैसे आप जान जाए कि अगर माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाले क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे, ठीक है? तो प्लस के सारे क्वेश्चन है तो आप प्लस प्लस वाला ही लीजिए, थ्री और टू को प्लस करके बनेगा ना फाइव, इसलिए तो फाइव एक्स को हमने क्या लिख दिया, थ्री एक्स और टू एक्स के दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो अब यहां से हम एक्स कॉमन ले लेंगे, बचेगा हमारा एक्स प्लस थ्री, और यहां पर जब हम क्या कॉमन लेंगे, क्या चीज है जो दोनों में है, टू एक्स में भी है सिक्स एक्स में भी है, क्या है आप दिमाग लगाइए। तो यहां पर है टू और एक्स, देखो टू एक्स में है क्या, टू इंटू एक्स, और सिक्स में क्या है, टू इंटू थ्री, ठीक है? ये आपको ऐसे लिखना नहीं, आपको मन में सोच रहे हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो दोनों में क्या चीज कॉमन है, दोनों में कॉमन है टू, यहां भी है और यहां भी है ना? तो यानी इसमें टू कॉमन है, टू कॉमन अगर ले लिए, प्लस है प्लस लगा दो, टू कॉमन ले लिए तो बच गया यहां पर एक्स और प्लस, और यहां से जब टू कॉमन ले लिए तो टू थ्री जै सिक्स होता है ना, और हम आपको बता चुके हैं कि कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना, तो यानी टू इसमें से कॉमन ले रहे हैं मतलब टू से डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो टू से जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, टू थ्री जै सिक्स होता है ना, और वैसे भी आप देखें तो टू लेने के बाद थ्री ही बच रहा है, ठीक। तो अब दोनों में कॉमन हमको मिल गए, तो एक्स प्लस थ्री दोनों में है तो बचा क्या, एक्स प्लस टू, ठीक है? एक्स प्लस थ्री कॉमन ले लिया, एक्स प्लस टू बच गया, अब ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुके हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब हम लोग देखेंगे डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आइए देख लेते हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, आइए देखते हैं डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है? तो इसका भी एग्जाम्पल आपकी बुक से ही ले लेते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल क्या है, सिक्स एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई टू एक्स, ये क्वेश्चन है आप, ठीक है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन हम लोग कैसे करेंगे, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करते हैं ना तो हम इसको इस फॉर्म में पहले लिखते हैं, अपॉन के फॉर्म में, डिवाइड का मतलब ये भी तो होता है ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना डिवीजन को, इतना लिखने के बाद हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है? तो ऊपर वाले को अगर हम फैक्टराइज करें तो क्या होगा,
सिक्स एक्स क्यूब में क्या क्या है देखें तो सिक्स को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, ठीक है। एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ये ऊपर वाले को फैक्टराइज कर दिए, टू एक्स को फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, टू इंटू एक्स, यही तरीका है, ऐसे करना है, ठीक है। अब सब मल्टीप्लाई में है आपस में तो काट सकते हैं ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई है तो टू से टू कट गया बेटा, एक एक्स से एक एक्स कोई काट दो, अब जो बच गया वही आंसर है। क्या क्या बचा नीचे, तो कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा तो वन बचा, और नीचे वन बचा है तो उसको लिखना नहीं है, ऊपर बचता तो लिख भी देते, तो लिखेंगे क्या, थ्री एक्स एक्स यानी थ्री और एक्स इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो ये तो बड़े सिंपल क्वेश्चन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं थोड़ा और बाइनोमियल का या ट्राइनोमियल का कैसे डिवीजन करेंगे। आइए थोड़ा बाइनोमियल से ले लेते हैं, बाइनोमियल से एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे एक है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन ब्रैकेट में है और इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस टू से, ठीक है। तो करना वही है, इसको पहले अपॉन के फॉर्म में लिखना है, यानी ऊपर लिख देंगे सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन डिवाइडेड बाई x प्लस टू, ठीक है। इस फॉर्म में हमने ऊपर नीचे करके लिख दिया, ठीक। अब फैक्टराइज करेंगे, ऊपर फैक्टराइज करेंगे नीचे फैक्टराइज करेंगे, तो चलिए कर लेते हैं। अब जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप देखिए, अब हम चाहे तो कॉमा हटा ब्रेकेट हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्रेकेट की जगह हमारा ये लग गया है। ये ब्रेकेट एक्चुअली में लगा क्यों था, यहाँ पर ब्रेकेट इसलिए लगा था कि जिससे ये चीज़ कन्फर्म हो सके कि इससे जो है इस दोनों को डिवाइड किया जा रहा है, इसको भी और इसको भी, इसलिए एक ब्रेकेट में कर दिया गया था। तो यहाँ पर तो हम नीचे कर दिए हैं ना, पूरा पल लगा दिए हैं बड़ा सा, तो इसका मतलब इसके ऊपर जो भी है वो इससे डिवाइड होगा, ठीक है, इससे ब्रेकेट हटा सकते हैं। अब कॉमन ले लेते हैं, फैक्टराइज करना ही है, फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं, कॉमन ही तो लेते हैं, सबसे पहले वाले मेथड में आपने सीखा था। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें अगर आप ध्यान दें, मन में इमेजिंग करें, तो ये है सेवन इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये क्या है, ये है टू इंटू सेवन, यानी सेवन दोनों में है। तो अगर हम सेवन कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, यहां बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, है ना, और ये केवल 14 ही है ना, नहीं 14 एक्स है यहां पर बेटा, 14 एक्स है, ठीक है, 14 एक्स है। तो इसलिए हम अब जो कॉमन लेंगे वो 7 केवल नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स भी है दोनों में। देखिए दोनों जगह क्या कॉमन है, 7 भी दोनों में है और एक्स भी दोनों में है, लेकिन दूसरे वाले में एक ही एक्स है, इसलिए एक ही एक्स कॉमन लेंगे। तो सेवन भी कॉमन ले लेते हैं और एक एक्स भी कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ पर सेवन तो बाहर आ गया, दो एक्स में से एक एक्स बाहर आ गया, स्क्वायर है तो मतलब दो एक्स है, एक एक्स बाहर आ गया तो यहाँ बचा केवल एक एक्स, ठीक है, प्लस अब 14 यानी टू इंटू सेवन, तो सेवन तो बाहर चला गया तो बचा कितना, टू, ठीक है, और एक्स भी बाहर चला गया है, यहाँ आ गया है तो कुछ नहीं बचा। नीचे तो हम कुछ फैक्टराइज कर ही नहीं सकते, वो x प्लस टू ही रहेगा, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें और इसमें मल्टीप्लाई का रिलेशन है दोनों में, है ना, और ये x प्लस टू मान लो हम ब्रैकेट लगा देते हैं, लगा दीजिए क्योंकि हमें काटना है ना, तो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ठीक है, और इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो हम काट सकते हैं, सेम चीजें ऊपर नीचे कट जाती हैं, x प्लस टू कट जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या हमारा केवल 7x। ऐसे इसको सॉल्व करना है, इस तरह के और भी क्वेश्चन हम अभी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, बाकी हम लोग क्वेश्चन में सीखेंगे ना आगे। तो लास्ट हेडिंग है फाइंडिंग एरर, आइए ये भी देख लेते हैं, आइए देख लेते हैं कुछ एरर्स। एरर मतलब गलतियां आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं जो आपको नहीं करना है, ठीक है, वही जैसे एक एग्जांपल है कि लिखा हुआ है थ्री
एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप ऐसा सॉल्व कर देते हैं जैसे आपने किया, थ्री का आपने एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और फोर में किया ही नहीं, माइनस फोर ऐसे लिख दिए, तो ये आपका गलत हो गया ना। जब आपको पता है ये ऐसी गलतियां जो आप वैसे भी नहीं करेंगे, आपको पता है कि दोनों में मल्टीप्लाई होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। सही क्या होगा? सही होगा थ्री का इसमें मल्टीप्लाई होगा और माइनस थ्री का फोर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला सही होगा, ठीक है, ये वाला रॉन्ग है। ऐसा मिस्टेक आप लोग कर सकते हैं। और देखो जैसे है टू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, टू एक्स स्क्वायर, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अगर आप ऐसा लिख देते हैं कि टू एक्स स्क्वायर, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर टू के भी स्क्वायर में है और एक्स के भी स्क्वायर में है, तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, दो का भी स्क्वायर करेंगे, तो ये होगा जाएगा फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला बेटा सही है और ये वाला गलत है, ये भी आप गलती कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ कॉमन मिस्टेक है, वो हम लोग क्वेश्चन में देख लेंगे, ठीक है, क्या आप वीडियो को लंबा करें फालतू में। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है बेटा। अगर आपने पूरा देखा है तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये आपके लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें अगर मिस हो गई हो, ना समझ में आया, तो एक बार दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे 40 नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।